हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है प्रांतुक स्टेट चैनल पे। तो आज थाम देख के आपको पता चल गया होगा कौन से चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये है क्लास डी 1K5 रीमॉडिफिकेशन वर्सन है दोस्तों। ये पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था तो उसको ही मैंने मॉडिफाई करके ये बनाया। ये हमारा यह हर एक बोर्ड प्रोफेशनल है दोस्तों, ये बोर्ड भी प्रोफेशनल है। इसमें प्लग एंड प्ले करना है आपको, कुछ भी अलग से सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हर एक कनेक्टर आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ प्लग एंड प्ले करना है। अच्छे से सप्लाई देना है, 15 एम्पीयर का एक सप्लाई लगा दीजिए 50-0-50 का। और इसमें आप अलग से बायस वोल्टेज के लिए जो 12 वोल्ट यूज़ करना होता है ना, तो उसको आप मैं रिकमेंड करूँगा एक SMPS यूज़ कीजिए। अगर पहले बार किसी ने क्लास डी बोर्ड हम यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी गलती कर दी तो इसमें हर एक ऐसे जल जाएगा। ये जो बायस वोल्टेज है, इसमें जो बायस वोल्टेज लगाना है 12 वोल्ट का, ये वोल्टेज आपको रेगुलेटेड ही लगाना होगा। ठीक है, 12 वोल्ट से एक भी वोल्ट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ सकता है। 11 से 12 के बीच होना चाहिए और 2 एम्पीयर का सप्लाई होना चाहिए। मैं इसके लिए रिकमेंड करता हूँ जो 12 वोल्ट का एडाप्टर आता है ना SMPS वाला, तो उसको यूज़ कीजिए आप, तो आराम से काम बन जाएगा। और इसमें हर एक सॉकेट दिया हुआ है दोस्तों, वॉल्यूम कंट्रोल के लिए एक सॉकेट, बैलेंस इनपुट के लिए एक सॉकेट। ठीक है, इसमें जो हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए जो 12 वोल्ट सप्लाई होता है उसके लिए सॉकेट, और जितने भी LED इंडिकेशन है ना इसमें, जो क्लिपिंग सिग्नल प्रोटेक्शन, ठीक है, सारे के सारे एक सॉकेट में है। ठीक है, तो आपको कुछ भी वायर इसमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है सोल्डरिंग आयरन से, सिर्फ उसको प्लग एंड प्ले करना है। हर एक को हर एक के जगह में लगाना है और प्ले करना है इसको। और हाई वोल्टेज का भी क्लिप लगा दिया हुआ मैंने, इसके जस्ट हाई वोल्टेज कनेक्ट कीजिए और आप चलाइए। ठीक है, ये 1K5 मॉडल है दोस्तों। तो ये बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, और इसका प्राइस भी बहुत कम रखा है मैंने, जो नॉर्मल मार्केट से जो मिलता है उससे भी बहुत कम है। और इसमें हर एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है दोस्तों, सारे के सारे प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो, DC प्रोटेक्शन हो, ठीक है, कोई भी फॉल्ट आए वो प्रोटेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आपका स्पीकर को पूरा सेफ्टी रखते हुए मैंने ये बनाया, और ये प्रोफेशनल है दोस्तों। कुछ भी आप अलग से मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको सप्लाई मॉड्यूल लगाइए और उसको चलाइए। ठीक है, और इसका क्वालिटी भी ज़बरदस्त है दोस्तों, क्योंकि ये क्लास डी है। तो बहुत सारे लोग ट्रांजिस्टर से क्लास डी को मेज़र कर रहा है अभी भी, कि 2 MOSFET लगा रखा है तो इसमें कितना वाटेज आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड होता है उसमें 1 MOSFET से 50 वाट निकलता है, तो तकरीबन ही मैक्सिमम 100 वाट ही होगा ना, ऐसा मानना है लोगों को। लेकिन आप लोग क्लास डी में आइए और अच्छे प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि वो पहले बार जो यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसका टेस्टिंग वगैरह आपका डिटेल्स होना चाहिए। और ये जो बोर्ड जो मैंने दिखा रहा हूँ, ये पहले भी दिखा चुका है मैंने 5K5 और स्पीकर प्रोटेक्शन वाला, तो स्पीकर प्रोटेक्शन का मैंने टेस्टिंग वीडियो डाल दिया, तो बाद में हम 1K5 का वीडियो डालूँगा टेस्टिंग का। ठीक है, उसके बाद मैंने 5K5 का भी टेस्टिंग डालूँगा। और दोस्तों एक चीज़, जो ब्रिज में आप इसको चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वली एम्पलीफायर है, तो दोनों किट को एक साथ ब्रिज करके चलाइए तो आपको 4 ओम्स के ऊपर 2000 वाट लोड आएगा दोस्तों, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, 4 ओम के ऊपर 2000 वाट लोड देगा तो ये आराम से चलेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें ब्रिज में चलाना है तो हम इसको ब्रिज में ही टेस्टिंग करके दिखाएंगे, नॉर्मल से भी दिखाएंगे और ब्रिज से भी दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों 5K5 जो बोर्ड है मेरा पास, उसको भी मैंने टेस्टिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, और इसमें अलग से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों ब्रिज करने के लिए। मैं एक ट्रिक दिखा दूंगा आपको, तो उससे ही आप इसको ब्रिज कर पाएंगे आराम से और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। और हर एक सेपरेट मॉड्यूल है दोस्तों, थोड़ा सा भी कुछ भी हो जाए तो मैं रिपेयर कर दूँगा, कोई दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्लास डी हम रिपेयर कर पाएंगे या क्या, नहीं ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों। हम इसको भी ब्रिज में चला के दिखाएंगे आपको, और उस बलकों को ब्रिज में चला के दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है हमारा ब्रिज वाला। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, और मॉड्यूल ख़रीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।